अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जब जब याद किया जाएगा, एक नाम जरूर सबकी जुबां पर होगा। वह नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद किया था, जिन्होंने देशवासियों से कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है, जिन्होंने कहा था कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी रहती है। उनकी बातें, उनका संघर्ष और उनकी जिंदगी तीनों आज भी प्रेरणा देती है। आज ही के दिन क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म साल 1897 में हुआ था। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। सुभाष चंद्र बोस के पिता कटक शहर के जाने माने वकील थे। बोस को जालियांवाला बाग कांड ने इस कदर विचलित कर दिया था कि वह आजादी की लड़ाई पर कूद पड़े। दरअसल सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई, जिसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारियों के लिए इंग्लैंड चले गए। 1920 में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि आज़ादी पाने के लिए बेताब अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बोस भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना से प्रेरित अलग काम करने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा देकर सारे देश को हैरान कर दिया। बोस सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जब भारत लौटे तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। हालांकि वो महात्मा गांधी के अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वह जोशीले क्रांतिकारियों के दल के प्रिय बन गए। यहां यह बता देना आवश्यक है कि बेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच आजादी को पाने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए उसको लेकर असहमति भी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। 1938 में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। गांधी जी लगातार बोस का विरोध कर रहे थे, लेकिन अगले साल फिर 1939 में बोस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। हालांकि इसके बाद महात्मा गांधी के विरोध को देखते हुए बोस ने स्वयं कांग्रेस छोड़ दिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस को लगा अगर ब्रिटेन के दुश्मनों से मिला जाए तो वह उनके साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल दिला सकते हैं। हालांकि उनके विचारों पर अंग्रेजी हुकूमत को शक था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नज़रबंद कर दिया। कुछ दिन बाद वहां से बोस भागने में कामयाब हुए और निकलकर जर्मनी पहुंचे। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यह दौर यूरोप में हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का दौर था। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था और इसलिए बोस को दुश्मन का दुश्मन भविष्य का दोस्त नजर आ रहा था। इसी के मद्देनजर वह हिटलर से भी मिले। हिटलर हो गया नेताजी का कायल। जी हाँ, आजादी दिलाने के प्रयासों के क्रम में नेताजी एक बार हिटलर से मिलने गए। उस वक्त एक रोचक किस्सा है। दरअसल जब वह हिटलर से मिलने गए तो उन्हें एक कमरे में बैठा दिया गया। इस दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर की जान को खतरा था। अपने बचाव के लिए हिटलर अपने आसपास बॉडी डबल रखता था जो बिल्कुल ठीक उसी के जैसे लगते थे। थोड़ी देर बाद नेताजी से मिलने के लिए हिटलर की शक्ल का एक शख्स आया और नेताजी की तरफ हाथ बढ़ाया। नेताजी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन मुस्कुराकर बोले, आप हिटलर नहीं हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वह शख्स सकपका गया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हिटलर जैसे दिखने वाला एक और शख्स नेताजी से मिलने आया। हाथ मिलाने के बाद नेताजी ने भी यही कहा कि वह हिटलर से मिलने आए हैं और ना कि उनके बॉडी डबल से। तो आज नेताजी के इसी कहानी को लेकर हम आपके सामने आए थे। उम्मीद है यह पेशकश आपको पसंद आए।